देखेंगे, ये तो फातह अमल नायक जिस तरीके से मोदी सरकार एक अपना रीजनल ऑर्डर तैयार करना चाह रही थी, उसमें सख्ती से वो नाकाम हुई है। पॉलिसीज खबों पे नहीं बनती है, पॉलिसीज ग्राउंड जो है सिचुएशन पे बनती है। अगर अब हिंदुत्वा की ये सोच हो कि इंडोनेशिया से लेके मौजूदा अफगानिस्तान तक किसी जमाने में भारत महाभारत होता था, वो दोबारा ये बना लेंगे, तो ये तो एक नामुमकिन सी बात है। पिछले साल आपको याद होगा जब 5 अगस्त को इन्होंने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया, उसे बाइफरकेट किया, और उसके बाद इन्होंने दावे करने शुरू कर दिए कि हम आजाद कश्मीर और गिलगित पर कब्जा करेंगे करेंगे, उसके साथ 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 हम कब्जा कर लेंगे एक्साइशन पे जो कि चाइनीज इलाका है। तो वो चाइना के लिए एक बाइसे तस्वीर था, और उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिकली बड़े अच्छे तरीके से, जब प्रेजिडेंट जी पिछले साल आए चेन्नई के अंदर समिट हुआ, और जिसमें आपको याद होगा कि मोदी साहब ने बच्चों को मास्क जी के पहना के, प्रेसिडेंट जी के चेहरे के मास्क पहना के बांटे, और वो सारे जो है ऐसे लग रहा था कि एक बच्चों का समुंदर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट जी का समुंदर है जो है। जब ये चेन्नई समिट हुआ तो उसमें प्रेसिडेंट जी ने ट्राइलैटरल डायलॉग की बात की, उन्होंने कहा कि हम तीनों मुल्क बैठे हैं, हम खाएंगे हैं, और भाई आप हमारे उबोर में आओ, तरक्की करो ताकि तमाम खिता खुशहाल हो, पाकिस्तान के साथ बैठो, हमारे साथ बैठो, हम कश्मीर का जो मसला है उसको सॉल्व करें। तो इसका बड़ा बुरा मनाया, और इंडियन मीडिया ने भी इसको इवन कोट नहीं किया। कर्नल प्रवीण सोहानी जो है अब बता रहे हैं, उन्होंने अपने वीडियोस में भी कई दफा इसका जिक्र कर चुके हैं कि ये अगर उस वक्त इस बात को एक्सप्लॉइट कर लिया जाता तो बहुत जबरदस्त बात थी। चाइनीज बेसिकली अगर आप इनको देखें तो ये 6-7 हजार साल पुरानी तहजीब है, यहाँ से चल रहे हैं, और नोन जो जहां तक हम जानते हैं तो ये मौजूद थे, इंसान यहाँ पे मौजूद था, और उनकी एक तारीफ की वजह से एक उनका कल्चर है, उनके एक कल्चरल डेप्थ है, जब वो बात करते हैं तो वो किसी रैशनल पे होती है। और इस चीज को चाइना काफी अच्छे से नोट कर रहा था। मसलन आपको याद होगा 62 का वाकया जो हुआ, 62 के अंदर जो है ये इंडिया था जिसने सिक्किम की रियासत जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनली चाइनीज की बात गुजार थी, ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थी, इसके ऊपर हिंदुस्तान ने गलत कब्जा किया है, और उस कब्जे के बावजूद क्योंकि चाइना का बेसिक जो है वो चाहता है ट्रेड बढ़े, अमनो अमान है, इसीलिए आपको याद होगा कि सन 2000 के अवाइल में ही चाइनीज ने इजाजत दे दी कि चलो हम ट्रेड करते हैं, आप सिक्किम के अंदर एक ट्रेडिंग पोस्ट बना दें, जिसका मतलब ये था कि चाइना ने उसे पीछे कर लिया कि ठीक है तनाजा बाद में, पहले हम अपने दोनों ममालिक को ठीक करें। तो अभी जो कुछ हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि इंडियन एग्रेशन जो हमें नजर आ रही है, दो वजूहत है, एक तो एक्साइज चेन के ऊपर इनका दावा, नंबर 2 जो बात नजर आ रही है कि जिस तरीके से इंडिया